हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. एक्चुअली मैंने एक पोइट्री डाली थी बोर्ड एग्ज़ाम्स के ऊपर कुछ टाइम पहले. उसके साथ कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, तो आज मुझे वो डिलीट करके और अब मैं उसको दोबारा से पब्लिश कर रही हूँ. आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसके लिए आई एम सॉरी. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे. सो आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. टॉपिक क्या है? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को पता है. टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम्स. इसके ऊपर मैं पोएम क्यों लिख रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको उसका रीज़न बताऊँगी. इस बार मेरी भी कज़न सिस्टर एग्ज़ाम दे रही है, 12th के एग्ज़ाम वो अटैम्प्ट कर रही है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस है. हम लोगों ने उसको समझाया है, लेकिन जब मैं उसको समझा रही थी तो मुझे लगा जिस तरीके से मेरी सिस्टर नर्वस है, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जो इस बार 10th एंड 12th दोनों एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे. इसलिए मैंने उनके लिए एक पोएम लिखी. आई होप बच्चों को वो पोएम पसंद आएगी. अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है. जो जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं सब तक पहुंचाओ, ताकि वो सब लोग इसको सुन सकें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज हो सके. एंड एक छोटी सी और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये जो पोएम है वो बच्चों को तो सुननी है, उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी सुननी है. क्योंकि आगे जाके इस पोएम में मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ पेरेंट्स से, तो आई थिंक वो आपको भी सुनना चाहिए. एंड कैसे आप अपने बच्चे को इस टाइम पे मॉरल सपोर्ट कर रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस टाइम आपके बच्चों को आपके मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए. एंड सबसे पहले हम पोएट्री स्टार्ट करते हैं, बाकी की बात बाद में करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एक बार फिर बच्चों के डरने का टाइम आया है. एक बार फिर बच्चों के डरने का टाइम आया है. रात भर जग कर पढ़ने का टाइम आया है. एक बार फिर बच्चों के डरने का टाइम आया है. रात भर जग कर पढ़ने का टाइम आया है. चारों तरफ बोर्ड एग्जाम्स का शोर है. किसके कितने मार्क्स आएंगे आपस में इसी बात की होड़ है. लेकिन अब से ऐसा नहीं करना है. लेकिन अब से ऐसा नहीं करना है. मार्क्स के बेसिस पर खुद को जज नहीं करना है. मार्क्स के बेसिस पर खुद को जज नहीं करना है. रिजल्ट जो भी हो उससे नहीं डरना है. रिजल्ट जो भी हो उससे नहीं डरना है. पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम अच्छे से करना है. अपने अंदर के बेस्ट टैलेंट को समझना है. अपने अंदर के बेस्ट टैलेंट को समझना है. जिसमें आप सबसे बेस्ट हो आफ्टर 12th आपको वही काम करना है. लेकिन मार्क्स के बेसिस पर इस बार खुद को जज बिल्कुल भी नहीं करना है. ये तो हुआ 12th क्लास के बच्चों के लिए. इसी के साथ साथ इस बार 10th क्लास के बच्चे भी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं. 12th क्लास के बच्चे तो ऑलरेडी एक बार बोर्ड एग्जाम्स दे चुके होते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया रहता है कि कैसे करना है. बट 10th क्लास के बच्चों के लिए सब कुछ एकदम फ्रेश होता है, तो उनके लिए मैं क्या लिख रही हूँ सुनिए. 10th के एग्जाम दे रहे हो अगर 10th के एग्जाम दे रहे हो अगर फर्स्ट टाइम फियर फेस कर रहे हो अगर 10th के एग्जाम दे रहे हो अगर फर्स्ट टाइम फियर फेस कर रहे हो अगर फियर से खुद को नर्वस नहीं करना है. फियर से खुद को नर्वस नहीं करना है. बस हैप्पीनेस के साथ अच्छे से एग्जाम करना है. इन फ्यूचर तुम्हें क्या करना है. इन फ्यूचर तुम्हें क्या करना है. 10th के बाद ये डिसाइड करना है. जो भी तुम्हें आगे बनना है 12th में उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है. लेकिन मार्क्स के बेसिस पर इस बार खुद को जज बिल्कुल भी नहीं करना है.
एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी मेरी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी मेरी, अपने बच्चे के गुड एंड बैड, अपने बच्चे के गुड एंड बैड दोनों टाइम में उसको सपोर्ट करना है। मार्क्स के बेसिस पर बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना है। अपने बच्चे के गुड एंड बैड दोनों टाइम में उसको सपोर्ट करना है। मार्क्स के बेसिस पर बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना है। अपने बच्चे के बेस्ट टैलेंट को समझना है। अपने बच्चे के बेस्ट टैलेंट को समझना है। इन फ्यूचर आपको उसको उस टैलेंट में सपोर्ट करना है। आपको आपके बच्चे को लाइफ के एग्जाम में पास कराना है। इसके साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी स्टूडेंट से भी है। रिजल्ट जो भी हो, आपको आपका बेस्ट परफॉर्म करना है। रिजल्ट जो भी हो, आपको आपका बेस्ट परफॉर्म करना है। बोर्ड एग्जाम तो एक छोटा सा एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम तो एक छोटा सा एग्जाम है, आपको आपकी लाइफ में बड़ा काम करना है। डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है। डाउनफॉल भी अगर आए तो उससे नहीं डरना है। अगली बार सबसे अच्छा करेंगे ये कहकर आगे बढ़ना है। हर एग्जाम से कुछ नया सीखना है, हर एग्जाम से कुछ नया सीखना है। आपको आपकी लाइफ के एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करना है। आई होप आपको ये पोइट्री पसंद आई हो। अगर पोइट्री पसंद आई है तो गाइस प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड शेयर भी कीजिएगा। जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, आई विश ये पोएट्री उन सब तक पहुंचे, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एंड एक और बात मैं स्टूडेंट्स से बोलना चाहूंगी कि अप एंड डाउन लाइफ में लगे रहते हैं, लेकिन हम उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो। जो भी अगर हमारे लाइफ में डाउनफॉल आया भी है तो क्यों आया है उसको एनालाइज करो और उसके बाद और भी अच्छे से परफॉर्म करो। तो जो अगर डाउनफॉल आया है तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में गिव अप मत करो। कोई भी सिचुएशन आ जाए कभी आपको गिव अप नहीं करना है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट, हमारे बहुत अच्छे प्रेसिडेंट रहे हैं वो। अगर आप में से किसी ने उनके थॉट्स को सुना हो तो वो उनके थॉट्स फेलियर्स को लेके कुछ अलग ही थे। उसमें से एक बहुत अच्छा थॉट है जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी एंड प्लीज उससे थोड़ा सा सीख लीजिएगा। इफ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इफ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एंड इज नॉट द एंड, एंड इज नॉट द एंड, इन फैक्ट एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज। इफ यू गेट नो एज एन आंसर, इफ यू गेट नो एज एन आंसर, रिमेंबर रिमेंबर नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स बी पॉजिटिव, अपना अच्छे से अच्छा दो, एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो, बाकी सब गॉड पे छोड़ दो। अगर आपने अच्छा किया है तो वो आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे। थैंक यू।